राजधानी भोपाल के कोयफिजा इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग में रहने वाली नाबालिग के साथ उसके ही सौतेले पिता ने छेड़छाड़ कर दी। जानकारी के मुताबिक नाबालिग और उसकी मां को पिता ने छोड़ दिया था, जिसके बाद मां ने दूसरी शादी कर ली। इस दौरान नाबालिग को अकेले पाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं नाबालिग ने अपने परिजन के साथ पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की है और जहां पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, कल ऐसा मामला संज्ञान में मल्टी से आया हुआ था और उसमें यह था कि नाबालिग बच्ची के द्वारा अपने सौतेले पिता के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा छेड़छाड़ की गई है। संपूर्ण मसले को संज्ञान में लेकर के और प्राथमिकी दर्ज की गई है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जो भी साक्ष्य उसके मुताबिक प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। वो सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और ये देखा गया है कि पिछले 15 वर्ष के पूर्व जो फरियादिया है, पीड़िता है, उसके पिता के द्वारा उसकी मदर को छोड़ दिया गया था और इसके ये सौतेले पिता हैं, और किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई है, वो सारे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।